हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सफ़र है धर्मशाला का, जहां हम देखेंगे क्रिकेट स्टेडियम जो कि धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों की गोद में बनाया गया काफ़ी आकर्षित करने वाला एक सुंदर मैदान है। इस स्टेडियम का कैंपस काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, जहां कई सारे और भी ग्राउंड है। लोगों के बैठने के लिए बनाई गई खूब सारी कुर्सियाँ जो नीचे से कुछ ऐसी दिखती है, हैरानी होती है इसके आर्किटेक्ट को देखकर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल रिकी हिमालय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अपने अनुभव और जानकारियां आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूं। आगे की वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में हमने अपना सफ़र शुरू किया था शिमला की कुफरी से, जहां से होते हुए हम बिलासपुर गए, फिर हमीरपुर होते हुए ज्वालाजी टेम्पल गए जहां हमने ज्वाला माता के दर्शन किए और पूरा मंदिर घूमा। फिर हम चल पड़े कांगड़ा की ओर, जहाँ हमने कांगड़ा टेम्पल देखा जो कि माता ब्रजेश्वरी का है, जिसमें हमने मंदिर के इतिहास के साथ साथ आज की स्थिति को देखते हुए पूरे मंदिर का भ्रमण किया। फिर हम गए कांगड़ा फोर्ट को देखने, जहां हमें पता चला कि 1905 में आए भूकंप ने इस किले को कितनी क्षति पहुंचाई। भूकंप के बाद भी इस किले की कई सारी इमारतें और दीवारें आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है, जिसने हमें काफी अचंभित किया। ये तो रही पिछले कुछ दिनों की यात्रा, और हम अब चलते हैं धर्मशाला। ब्रजेश्वरी मंदिर से होते हुए हम फोर्ट पर पिछले रास्ते से गए। किला पुराने कांगड़ा में विद्यमान है, जहाँ से होते हुए अब हम इस पुल पर आए जो कि पुराने कांगड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम है बनेर खड पुल। यह सतलुज नदी काफी शोरगुल करती हुई शान से आगे बढ़ती जा रही है इस पुल के नीचे से। यह नदी इस घाटी को एक तरफ से आहिस्ता आहिस्ता काटती चली जा रही है। इस नदी से मुझे यह सीख मिली है कि अगर इरादे पक्के हो तो हम कितनी भी कड़ी मुसीबत में अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, जैसे इस नदी ने ढूंढा है। ये रहा सामने रेलवे ब्रिज, जो काफी सुंदर लग रहा है। रोड के किनारे खड़ी ये चट्टाने काफी खतरनाक लग रही है। ज्यादा समय न गवाते हुए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कांगड़ा बाजार काफी लंबा चौड़ा होने के साथ साथ काफी चहल पहल से भरा पड़ा है। अब ये रहा कांगड़ा बस स्टैंड। यहाँ से धर्मशाला 18 किलोमीटर और गगल हवाई अड्डा 8 किलोमीटर, जबकि चामुंडा 23, पालमपुर 36, वैजनाथ 53 और मंडी 129 किलोमीटर है। जाना तो हमने इन सभी जगहों पर है, पर शुरुआत करते हैं धर्मशाला से, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ मिनट बाद हम आ पहुंचे इस स्थान पर, जहाँ से हमने टर्न किया आते हुए लेफ्ट साइड। अगर किसी को इस जगह का नाम पता हो तो हमें कमेंट करके बताएं। रास्ते में कई सारे गांव हमें दिखे जिनकी छत पत्थर की स्लेटों से बने हुए हैं, जो काफी सुंदर लग रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम आ पहुंचे स्टेडियम के पास, जो कि बाहर से कुछ ऐसा नजर आ रहा है। स्टेडियम के बाहर कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, जहां लोग खा पी रहे हैं। यह रहा स्टेडियम का मेन गेट, जो कि काफी आकर्षक है। हमारी एंट्री होगी गेट नंबर 1 से, जिसकी एंट्री फीस है 20 रुपीज। इस तरह के यहाँ कई सारे गेट हैं। ये है यहाँ का प्रैक्टिस ग्राउंड, जिसके साथ सज्जा का काम चला हुआ है, जिसमें घास काटी जा रही है और सिंचाई की जा रही है। कई सारे टूरिस्ट भी यहाँ आते रहते हैं। स्टेडियम की ये लाइट काफी ऊंचाई पर लगाई जाती है। ये रही स्टेडियम की आउटसाइड बाउंड्रीज, जो काफी विशाल और ऊंची है। बाहर से देखने पर यह काफी आलीशान नजर आता है। ये जो आपको ऊंचा लोहे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है दर्शकों के बैठने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म, जो कि नीचे से बड़े बड़े लोहे के खंभों पर टिकाया गया है। अब यह रहा स्टेडियम के अंदर का नजारा, जिसमें काफी बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है। ये मैदान काफी हरियाली भरा नजर आ रहा है। इस दौरान यहाँ पर कोई लोकल मैच चल रहा है। अब ये रही स्टेडियम में लगी दर्शकों की कुर्सियां, जो कई रंगों में सजाई गई है। यह स्टेडियम चारों तरफ से दर्शकों के लिए लगाई गई कुर्सियों से भरा पड़ा है, जिसमें कि 27,000 दर्शकों के बैठने की जगह है। अब मैं थोड़ा इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसे HPCA क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है।
धर्मशाला तिब्बत के दलाई लामा के कारण जाना जाता है। यह स्टेडियम 2003 में स्थापित किया गया था, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 27,000 है। यहां पर पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच 27 जनवरी 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जबकि पहला T20 मुकाबला 2 अक्टूबर 2015 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। ये तो रही स्टेडियम के बारे में कुछ जानकारियां। काफी समय यहां लगाने के बाद अब हम चलते हैं पालमपुर की ओर, जहां हम देखेंगे चाय के विशाल बागान। उसके बाद हम जाएंगे बैजनाथ, जहां हम देखेंगे भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, जो कि काफी भव्य और आकर्षित करने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे मंडी, फिर उसके बाद हम निकलेंगे शिमला की तरफ।